मेरा दोता है बेटा, उसको बहुत सीरियस है, वो कुछ बचने की कोई आस नहीं है। लड़की का ब्याह करते उसका पैसा था वो भी उधर लग गया बेटा, अब भी कोई आस नहीं है उसको, जो माँ टक्कर मारी थी। नमस्कार, लाइफ टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर और आज जो खास रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, एक छोटी सी दरख्वास्त है कि इसे शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर शायद इस परिवार के चिराग को बचा सके। सुंदरनगर का एक प्रवासी परिवार अपने 7 वर्षीय घायल बेटे का दर्द इस कदर भुगत रहा है कि उनके अपने 7 साल के बेटे के इलाज करवाने के लिए पैसे ही नहीं बचे हुए हैं। पिता ने अपनी बेटी की शादी के लिए जो भी पैसे बचाकर रखे थे वह भी बेटे के इलाज पर खर्च हो गए हैं। अपना पेट पालकर पैसा कमाने वाले इस परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ सा गिर गया है। माता पिता बस अपने घर के चिराग की कोमा से बाहर निकलकर आंखें खुलने का टकटके लगाए इंतजार कर रहे हैं। आइए अब जानते हैं क्या है पूरा मामला। बता दें कि बीते 16 दिसंबर को सुंदरनगर के ललित चौक से MLSM कॉलेज सड़क मार्ग पर बाइकरों की अंधी दौड़ के कारण एक बाइक सवार ने 2 प्रवासी बच्चों को टक्कर मार दी थी। हादसे में 2 सगे भाई सन्नी और समीर पूरी तरह से घायल हो गए थे। इस हादसे में 7 वर्षीय सन्नी की गंभीर हालत होने के कारण डॉक्टर आलोक द्वारा उसे PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया था। कोमा में होने पर PGI चंडीगढ़ में चल रहे इलाज के दौरान जहां सन्नी कोमा में होने के कारण बेसुध पड़ा है और उसकी देखरेख डॉक्टर कर रहे हैं। हालांकि सुंदरनगर पुलिस ने बाइक चालक के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया है, मगर कार्यवाही के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। पुलिस के मुताबिक चालान कोर्ट में पेश किया जा रहा है। वहीं सुंदरनगर प्रशासन ने भी 7,000 देकर अपना पल्ला छुड़वा दिया है। हालांकि SDM सुंदरनगर राहुल चौहान ने परिवार की और मदद करने का आश्वासन भी दिया है और दुर्घटना में अन्य बच्चा सिविल अस्पताल से उपचार के बाद घर भी भेज दिया गया है, मगर दूसरे बच्चे की चंडीगढ़ में हालत नाजुक बनी हुई है। परिवार के पास जो पैसा था वो सारा खर्च हो चुका है, जबकि यह पैसा उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए बचाकर रखा था। प्रवासी परिवार बुरी तरह से सहमा हुआ है, दर्द में है, दुख में है। परिवार ने प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि उनके परिवार को न्याय के साथ साथ बच्चे के इलाज के लिए मुआवजा भी मिलना चाहिए। और यदि अगर आप भी मदद करना चाहते हैं तो आप 7876916303 पर संपर्क कर सकते हैं। उधर SDM सुंदरनगर राहुल चौहान ने कहा कि पीड़ित परिवार को रेड क्रॉस के माध्यम से भी मदद की जाएगी। साथ ही में उनका कहना था कि फौरी राहत के तौर पर 7,000 रुपए की मदद दे दी गई है। वहीं इस मामले को लेकर SHO सुंदरनगर कमलकांत का कहना है कि उक्त बाइकर के खिलाफ लापरवाही और तेज रफ्तार से बाइक चलाने का मामला कोर्ट में दर्ज कर दिया जा चुका है और चालान भी। और अगर आप भी इस परिवार की मदद करना चाहते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, अकाउंट नंबर और साथ में उनके पिता की डिटेल, तो आप उनके अकाउंट में पैसे डलवा सकते हैं। आप किसी के घर का चिराग बचा सकते हैं। अब वो आप पर डिपेंड करता है आप कितनी सहायता करना चाहते हैं। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। मैं हूं मनोज ठाकुर। धन्यवाद। मेरे साथ सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। जी, अपने बच्चे दोनों स्कूल पढ़ के आ रहे थे, समीर और भी छनी पढ़ के आ रहे थे जी। 3:15 पे आ रहे थे घर पे, जो उन्होंने बैक मार दी पीछे से आके जी, जो प्रशासन की तरफ से हमारे को कुछ 7,000 रुपये मिले हैं जी। उनका कोई जिसने टक्कर मारे उन्होंने कोई मदद नहीं की, किसी ने भी मदद नहीं की जी। हमारी बच्चा कहाँ है? बच्चा PIG में जी, चंडीगढ़ में। उनकी अभी उन बच्चे ने आंखें नहीं खोली है, कुछ भी नहीं है, उंगली उंगली हिल रही है बस। खर्चा जी पैसे इकट्ठे कर रखे थे, लड़की का ब्याह करना था महीने में, वो 70,000 रुपये पड़ा था, वही लग गया जी बच्चों पे। क्या मांगे सरकार? सरकार से मांगे भाई, बच्चा हमारा ठीक कर दो जी, जो हलफ करनी है। हम परदेसी बंदे हैं जी, पंजाब से आए हैं, वो हलफ करनी है जी। आपने बच्चे को हमारा ठीक कर दो, बस यही है, हाथ जोड़ के विनती है जी।